वहाँ से गया आए थे पांचों व्यक्ति पिंड देने के लिए। दस मुंगेर में है सीताचरण मुनि के पास जी, जिनके नाम से मुंगेर पड़ा है। आपके हाथ का प्रसाद हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे। हाथ लंबा 12 हाथ चौड़ा जी, वो हवन कुंडली है। जी को 108 फूल का माला उनके गले में डाले कि मैया बाहर निकल करके कृति दिखाइए, तब तो लोग जानेंगे कि यहाँ किस लिए आए थे। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ नीरज राय, आप देख रहे हैं नीरज राय ब्लॉग। और आज हम हैं बिहार के ऐतिहासिक जिले मुंगेर में और हम लोग दर्शन करेंगे यहाँ के सीता कुंड का, जो कि एक बहुत ही प्राचीन और दिव्य कुंड है, जहाँ पर कि जो है प्राचीन काल से ही यहाँ पर गर्म पानी का जो है एक कुंड है। आज हम लोग उसका दर्शन करेंगे। चलिए देखते हैं इस वीडियो को और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। ये जो दृश्य है ये यहाँ के मुख्य गेट का दृश्य आप देख रहे हैं और हम लोग जो है अंदर चलते हैं यहाँ के सीता कुंड का दृश्य कैसा है। और यहाँ पर जो है लक्ष्मण कुंड बना हुआ है, भरत कुंड है, तो सभी का दर्शन हम लोग करेंगे। और जो ये आप सजावट देख रहे हैं यहाँ पर, ये अभी माघी पूर्णिमा का जो है मेला यहाँ पर बहुत बृहद पैमाने पर लगता है और उसी का जो है भीड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सीता कुंड का दृश्य आप देख रहे हैं और हम यहाँ के जो है जानने वाले हैं, उनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं इस कुंड के बारे में। तो बाबा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ नागेंद्र मिश्र जी। तो आप यहाँ सीता कुंड के बारे में बताइए कि क्या यहाँ का जो है विशेषता है। यहाँ का विशेषता है कि जब अयोध्या में रामचंद्र जी का राज्य चला ना जी जी, तो वहाँ से गया आए थे पांचों व्यक्ति पिंड देने के लिए दशरथ जी का जी जी। पिंड दे करके वो भ्रमण करते हुए मुंगेर चले आए जी। मुंगेर में है सीताचरण, वहाँ सीता जी छठ व्रत की थी जी। व्रत कर करके और इस पार चले आए मुगदल मुनि के पास जी, जिनके नाम से मुंगेर पड़ा है जी जी। तो सीता वहाँ से जो है उसी समय में जो है मैंने सीता जी जो है प्रसाद लेकर के आए हुए थे जी। जब इनके बारे में सुने, इनके बारे में इर्द गिर्द मुनि लोग जो सुने जी जी। जैसे व्यास मुनि का स्थान है, मंदिर है जी। अभी जी व्यास जी का पिंड है वहाँ रखा हुआ। अच्छा अच्छा, समझे ना, व्यास मुनि का। हाँ, उसके बाद में अभी इसी कुंड है, वहाँ ऋषियों का भरमार था जी, वो इसलिए वहाँ ऋषि कुंड नाम पड़ा। लखीसराय सिंगड़ी ऋषि का स्थान है जी। हाँ, जो कि वहाँ रामचंद्र जी का मुंडन हुआ था जी। सभी आए थे उनको दर्शन करने के लिए, उन लोगों का जी जी। उसी समय में जो है वो छठ व्रत जो की थी वही प्रसाद देने लगे जी जी। मुनि लोगों को जी जी। मुनि लोग इनकार करके आपके हाथ का प्रसाद हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे जी। क्योंकि आप दूषित हैं, 12 वर्ष लंका में रहे जी जी, रावण के बीच रहे जी, हो सकता है कि रावण का रूप लेकर के राम का रूप लेकर के गलत व्यवहार किया हो, इसलिए दोषी माना गया था। तो रामचंद्र जी कहे तो इनका दोषी कैसे दूर होगा, तो उनको यहाँ लाए गए। वो 12 हाथ लंबा 12 हाथ चौड़ा वो हवन कुंडली है जी। सीता जी से हवन करवाए, सीता जी को 108 फूल का माला उनके गले में डाले जी। सीता जी प्रवेश कर गए होम के नीचे जी, हवन के नीचे प्रवेश कर गए, वहाँ जा कर के पालथी मार के बैठ गए, समझ गए। 7 रात 7 दिन बीत गए उनको। हनुमान जी को आभास हुआ कि सीता जी कहीं डेड बॉडी तो नहीं हो गया जी, है जी। वो ध्यान लगा करके देखे तो प्रभु पर ध्यान लगाए हुए थे जी। तो उनके समझ में आ गया कि नहीं, जीवित है जी। फिर वो मैंने आवाहन करना शुरू कर दिए कि मैया बाहर निकल करके कृति दिखाइए, तब तो लोग जानेंगे कि यहाँ किस लिए आए थे। तो बाहर निकली तो पसीना से लथपथ थी, उसी समय में पसीना से जो पोछ करके और जो हवन किए थे उसमें 3 बूंद डाले कि अगर हम सती हैं तो इससे जल उत्पन्न हो जाए, तो वही जल उत्पन्न हुआ है। हाँ, उत्पन्न हुआ है। उसके बाद में जो है चारों भाई थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सब गंगा का आवाहन किए तो बाण मारे तो पताल से पानी निकले
लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इस तरफ जो है वो भी अपना गंगा का आवाहन किए, बाण मारे, पताल से पानी निकला। दाता दानी जो है सब कुंड को बना दी। उस समय में बहुत दाता दानी थे, समझ गए, मानिए तो देव नहीं तो पत्थर, मानने पर सब मनोकामना भी पूर्ण होता है यहाँ। तो ये थे यहाँ के वो सीता जी जो कि जानते थे और हम लोग को अच्छी जानकारी दी इन्होंने सीता कुंड का। तो आगे हम लोग देखते हैं इस सीता कुंड का और भी दृश्य कैसा है। यहीं पर जो है चारों बगल जो है सब सारे कुंड का जो है निर्माण हुआ है और हम आपको सभी कुंड को बारी बारी से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। ये सीता कुंड का दृश्य जो है हम आपको दिखाने जा रहे हैं और ये यहाँ का सीता कुंड का जो है आप दृश्य देख रहे हैं और ये यहाँ के सीता कुंड का दृश्य आप देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है यहाँ पर सीता कुंड बना हुआ है और यहीं पर जो है सीता माँ का जो है अग्नि परीक्षा हुआ था जैसा कि मान्यता यहाँ के लोगों का है। और इस गर्म जल को आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है पानी इस गर्म जल का कुंड का जो है उबल रहा है। आपको हम जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं उबलते हुए पानी का। ये पानी जो आप देख रहे हैं ये गर्म है और आप वाष्प को भी देख सकते हैं किस प्रकार से पानी से जो है इस कुंड से जो है वाष्प निकल रहा। बुलबुला जो आप देख रहे हैं वो यहाँ के गर्म जल से जो है बुलबुला निकल रहा है। सामने में जो आप दृश्य देख रहे हैं इसको रावण कुंड के नाम से जाना जाता है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग सीता कुंड का दर्शन करने के बाद जो है लक्ष्मण कुंड की तरफ चल रहे हैं। ये यहाँ के लक्ष्मण कुंड का दृश्य है जो कि इस प्रकार से है। ये लक्ष्मण कुंड का दृश्य आप देख सकते हैं। तो आप जो ये देख रहे हैं ये लक्ष्मण कुंड का दृश्य है और इसका जल जो है ठंडा है। तो ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये यहाँ के शत्रुघ्न कुंड का दृश्य आप देख रहे हैं और शत्रुघ्न कुंड का जो दृश्य है वो इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है। ये शत्रुघ्न कुंड का दृश्य इस प्रकार से है और ये काफ़ी सुंदर जो है जगह यहाँ पर बना हुआ है, काफ़ी पार्कनुमा दृश्य है। और आप जो चारों तरफ देख रहे हैं ये सारे कुंडों का दृश्य है। यह जो आप दृश्य देख रहे हैं यह यहाँ के भरत कुंड का दृश्य है जो इस प्रकार से बना हुआ है और इसका जल भी जो है ठंडा ही रहता है। तो फ्रेंड्स आप अभी यहाँ के सारे कुंडों का जो है दृश्य देख रहे थे और यहाँ पर जो राम जानकी मंदिर बना हुआ है हम आपको वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये यहाँ के राम जानकी मंदिर का दृश्य है और हम लोग जो है अंदर चल के देखते हैं यहाँ के मंदिर के अंदर का दृश्य किस प्रकार से है। तो ये है यहाँ का राम जानकी मंदिर। ये यहाँ के राम जानकी जी का मूर्ति आप देख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ के मंदिर का जो है आप पूरा दृश्य देख रहे हैं। ये सीता कुंड के पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। हनुमान जी का जो है आप दृश्य देख सकते हैं। ये पंचमुखी हनुमान जी का जो है दृश्य है वो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये था यहाँ का सीता कुंड जो कि मुंगेर ज़िले में स्थापित है और इस सीता कुंड से जो है गर्म जल का जो है लगातार प्रवाह होते रहता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा
कृपया कमेंट करें, यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।